नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर लड्डू गोपाल मंदिर में। हमारे साथ हैं भगवत सोनी जी भाई साहब, जो हमारे जिला चिकित्सालय में साथ में पदस्थ हैं। तो दोस्तों आज हम अपने भारत के सबसे बड़े लड्डू गोपाल भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों हम इस समय आए हुए हैं लड्डू गोपाल मंदिर के समीप। हमने आपको शिखर के दर्शन करा दिए हैं। यह रास्ता आ रहा है पुलिस लाइन लाइन से और ठीक मंदिर के सामने यह पुलिस लाइन पेट्रोल पंप। यह रास्ता आ रहा है कलेक्ट्रेट बंगला से व पीछे की ओर यह है छतरपुर का स्टेडियम ग्राउंड। यह सीढ़ी जाती है मंदिर की ओर, प्रवेश सीढ़ी है और ठीक सामने आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं लड्डू गोपाल मंदिर। पट खुलने का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक। तो दोस्तों आप सामने से मंदिर की देख सकते हैं, कितना सुंदर मंदिर है। अब हम चलते हैं लड्डू गोपाल भगवान जी के आपको दर्शन कराते हैं। हमारे साथ भगवत जी सोनी भाई साहब हमारे साथ आए हुए हैं, जो हमारे साथ जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं। तो दोस्तों सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं और ठीक सामने आपको दिख रहे हैं श्री लड्डू गोपाल भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भगवान की प्रतिमा है। एक हाथ में बंसी और साथ में लड्डू लिए हुए है, पीछे की वो राधा रानी भी विराजमान है। आप देख सकते हैं सुंदर पगड़ी, प्रभु के कानों में कुंडल और कितना सुंदर मुख प्रभु का, ऐसा लग रहा है कि प्रभु को नजर ना लग जाए। और आप देख सकते हैं दूसरे हाथ में आप प्रभु जी घड़ी भी पहने हुए हैं और कितना सुंदर लग रहा है। यह सिल्वर रंग की पोशाक पहने हुए हैं और गले में सुंदर सुंदर प्रभु माला, कितना सुंदर यह मुखड़ा प्रभु का लग रहा है। बहुत अच्छी पगड़ी पहने हुए है, इतनी अद्भुत छवि आज तक दोस्तों मैंने नहीं देखी है। तो दोस्तों मंदिर आए हैं तो मंदिर का परिक्रमा तो बहुत जरूरी है। तो चलिएगा आपको मंदिर में श्री लड्डू गोपाल जी भगवान जी का परिक्रमा कराते हैं। कितना सुंदर परिक्रमा, हम पीछे की ओर मंदिर के आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर खास मंदिर आपको बताना चाहते हैं। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री राम लला की। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, ठीक उसी दिन यहाँ पर छतरपुर में श्री लड्डू गोपाल भगवान की छतरपुर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं यहाँ पर सोनी जी भाई साहब के साथ आया हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो बिल्कुल छतरपुर में आप लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिएगा। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप भाई साहब शहर के लड्डू गोपाल मंदिर आए। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? छतरपुर शहर में लड्डू गोपाल भगवान जी का मंदिर अद्वितीय है। वैसे तो छतरपुर शहर में मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल मंदिर बना है बहुत ही भव्य है, भव्य नाथ है। इसे छतरपुर शहर में 4 चांद लग गए हैं, भव्यता बढ़ गई है छतरपुर। भाई साहब क्या संदेश देंगे आप शहरवासियों को मंदिर के लिए? यहाँ पे मंदिर में प्रतिदिन आना चाहिए, भगवान जी के दर्शन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करें कि हमें सन्मार्ग में चलने की कृपा करें। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों लड्डू गोपाल के दर्शन करने पर आनंद आ गया। ऐसी भव्य आकर्षक मूर्ति शायद ही कहीं पर हो। वो कहा ही गया है पूरे भारत में एकमात्र इतनी बड़ी लड्डू गोपाल की मूर्ति है जो छतरपुर में स्थित है। स्थान आपको हम बता ही चुके हैं, तो बिल्कुल अगर आप छतरपुर वासी हैं या छतरपुर आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लड्डू गोपाल के दर्शन करना न भूलिएगा। इसी आकर्षा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।